जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक असम के गुवाहाटी में स्थित माता कामाख्या जी की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप माता कामाख्या जी के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको श्री माता कामाख्या देवी दर्शन कैसे करना है, माता कामाख्या देवी आपको कैसे पहुंचना है, माता कामाख्या में आपको रुकने और खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी, कौन कौन से दर्शनीय स्थल आपको कामाख्या मेन टेम्पल के बाद आप कौन कौन से दर्शनीय स्थल घूमेंगे, और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा माता कामाख्या जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक मैं वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस माता कामाख्या जी के दर्शन करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो बिना विलंब किए चलिए आइए वीडियो को आरंभ करते हैं, और सबसे पहली बात करते हैं कि आपको कामाख्या कैसे पहुंचना है। दोस्तों, कामाख्या पहुंचने के लिए बेसिकली दो मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका बाय ट्रेन। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो तो है दोस्तों आपका कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन। कामाख्या जंक्शन में वहां पे बहुत सारी ट्रेनें का परिचालन होता है दोस्तों, लेकिन हो सकता है कि कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज कामाख्या में ना हो, तो आप आ सकते हैं दूसरे रेलवे स्टेशन जो कि आपका गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से दोस्तों आपका जो टेम्पल की दूरी पड़ती है वो लगभग 8 किलोमीटर की पड़ती है। वही अगर मैं बात करूं कि अगर आप कामाख्या उतर के माता के दर्शन करने जाते हैं तो कामाख्या से आपको जो टेम्पल की दूरी पड़ती है वो हार्डली 4 से 5 किलोमीटर की पड़ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आपके यहाँ ट्रेन के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, तो वह आपका बाय फ्लाइट का। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहां पे गुवाहाटी में स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बरतोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, तो यहाँ पे आप आ जाइए और यहाँ से आप 22 किलोमीटर की ट्रेवल करके आप डायरेक्टली माता के देवस्थानम पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके दोनों ऑप्शंस थे कि आपको कैसे पहुंचना है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आगे कि हम कामाख्या पहुंच चुके हैं, अब हमको यहाँ पे कहाँ होटल एकोमोडेशन लेना चाहिए, कौन सा हमारा सस्ता और बजट ऑप्शन रहेगा, और हमारा कितने दिन का स्टे होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं होटल एकोमोडेशन के। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो मेन टेंपल है दोस्तों कामाख्या माता जी का, तो उसी के राइट साइड में यहाँ पे कामाख्या देवालय का गेस्ट हाउस है। लेकिन ये गेस्ट हाउस दोस्तों मैं 3 से 4 बार जा चुका, मुझे हमेशा सोल्ड आउट और फुल ही मिला है, कभी भी मुझे अवेलेबल नहीं मिला। इसका रीजन ये है दोस्तों कि यहाँ पे केवल और केवल ऑफलाइन बुकिंग होती है, ऑनलाइन का कोई प्रावधान नहीं है। तो यदि आपका लक है दोस्तों तो आपको मिल सकता है ऑफलाइन में, अदरवाइज अगर आप ट्रस्ट का रूम नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन आते हैं प्राइवेट होटल्स के। तो सो टेंपल के आसपास तो ज्यादा होटल एकोमोडेशन नहीं है, लेकिन अगर जो भी होटल एकोमोडेशन मिलते भी हैं तो दोस्तों उसकी रेट थोड़े से हाई होते हैं अकॉर्डिंग टू होटल। होटल के हिसाब से बजट थोड़ा सा ज्यादा होता है। और अगर मैं बात करूं कि अगर आप गुवाहाटी में स्टे लेते हैं, अगर आप रेलवे स्टेशन से बाहर आके जो पल्टन बाजार है, पल्टन बाजार में अगर आप अपना स्टे बनाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे बजट में। आपको 800, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, जैसे कैटेगरी का आप होटल लेंगे वैसे आपको देखने को मिल जाएगा, और एसी रूम के साथ आप बेटर ऑप्शन अपना स्टे ले सकते हैं। इसी के साथ ही साथ बात करूं दोस्तों कि खाने पीने की क्या बंदोबस्त रहेगी, तो दोस्तों कामाख्या देवालय के आसपास यहां पे आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन देखने को मिल जाएंगे, यहां पे आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं बात करूं गुवाहाटी के बाहर, तो आपको वहां भी भली भांति रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे, नॉमिनल रेंज होते हैं खाने पीने के, और खाना भी काफी स्वादिष्ट रहेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि अब हमको माता कामाख्या जी के दर्शन करने के लिए किन किन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा और इसकी दर्शन प्रणाली क्या रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे कामाख्या जी के दर्शन करने के लिए अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं और इनका थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हुआ है। अब दोस्तों, आपको कामाख्या माता जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आपको पहले दर्शन टोकन लेना पड़ेगा, जिसको दर्शन पास भी बोला जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप जैसे यहाँ से ऑटो या फिर टैक्सी के द्वारा उतरेंगे तो वहां से आपको राइट साइड में एक बोर्ड मिलेगा, जहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे एंट्री कूपन लेना पड़ेगा। यहाँ से आप जैसे ही जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया है, इसको पार करते हुए आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पहले एक दर्शन पास मिलेगा, वो दर्शन पास आप लीजिए। ये दर्शन पास दोस्तों मॉर्निंग में 4 AM को ओपन हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे दोस्तों पहुंचा 5:30 बजे, और 5:30 बजे जब मैं पहुंचा तो देखा यहाँ पे 518 टोकन ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके थे। अब मेरा नंबर 6:30 बजे आना था। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फ्री दर्शन करना है बिना किसी VIP पास के, तो आपको 4 बजे पहुंचेंगे तब तो आप आराम से 8 या 9 बजे कामाख्या माता जी के दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। कामाख्या देवस्थान में दोस्तों समय थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइन में काफी घंटों बैठना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं फ्री दर्शन पास की बात कर रहा था, तो यहाँ पे आप अपना लाइन में लगिए, पास मिलेगा, पास मिलने के बाद आप डायरेक्टली लाइन के द्वारा मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों और दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो टेम्पल का ओपनिंग टाइम है दोस्तों, यानी कि जो आप लाइन में बैठे हुए हैं, तो आपकी लाइन बढ़ना शुरू होगी सुबह 7 बजे के बाद ही, क्योंकि माता जी की श्रृंगार और आरती के पश्चात ही आपको दर्शन दिया जाता है, और वो समय होता है मॉर्निंग का 7 AM में दोस्तों टेम्पल ओपन होता है और आपकी धीरे धीरे करके लाइन
बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों आप मंदिर प्रांगण में जैसे प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे एक और आपको लाइन देखने को मिलेगी। ये लाइन दोस्तों जो है ये वीआईपी पास की है। यदि आप उन कतार में नहीं लगना चाहते, फ्री दर्शन में नहीं लगना चाहते, तो आप यहाँ पे वीआईपी पास भी ले सकते हैं। वीआईपी पास का दोस्तों 501 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज होता है। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ लाइन में लगिए और जय माता दी कहते हुए आप अपने वीआईपी पास भी ले सकते हैं। और वीआईपी पास से अगर मैं बात करूं कि आपका दर्शन कितने घंटे में हो जाता है, तो दोस्तों इस बार मैंने वीआईपी पास के तहत दर्शन किया और मैं लगा था सुबह 5:30 बजे लाइन में वीआईपी पास के, और मेरी दर्शन जो हुई वो 10:15 बजे मैं टेम्पल से बाहर आया माता जी के दर्शन करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे मैं माता जी के मंदिर के अंदर का आपको दृश्य नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे मोबाइल और कैमरा वर्जित था। तो यहाँ पे दोस्तों आप जय माता दी कहते हुए, जय माँ कामाख्या कहते हुए दर्शन आप लाइन में लगिए और माता जी के दर्शन करके आप मंदिर के एग्जिट गेट से बाहर आ जाइए। दोस्तों जैसे आप बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे नारियल फोड़ने की बंदोबस्त है, तो आप वहाँ पे नारियल फोड़ दीजिए जो भी आप प्रसाद ले रहेंगे। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे दीप प्रज्वलित की जाती है और अगरबत्ती भी जलाई जाती है जो कि वीआईपी काउंटर के समीप ही ये बना हुआ है। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, यहाँ पे आप दीप प्रज्वलित कीजिए। इसके पश्चात आप जो भी मनोकामना मांगना है अगरबत्ती जलाकर आप माता कामाख्या जी के दर्शन कीजिए। माता कामाख्या जी के पूजा अर्चना करने के पश्चात और बढ़ चलिए आप अपने मंदिर के परिक्रमा की ओर। जैसे दोस्तों आप मंदिर के परिक्रमा करने चलेंगे तो आपको सबसे पहले एक बलिघर देखने को मिलेगा। लेकिन बलिघर में यही चीजें कहूंगा कि यहाँ पे दोस्तों बकरे की बलि दी जाती है, भैंसों की बलि दी जाती है, तो अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो कृपया ये चीजें ना देखें क्योंकि बलि देते वक्त दोस्तों यहाँ पे काफी थोड़े से दर्दनाक माहौल हो जाती है। तो इस तरीके से आप मंदिर से आगे बढ़िए और मंदिर में आगे बढ़ने के पश्चात परिक्रमा कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको मंदिर प्रांगण में यहाँ पे बैठने की बंदोबस्त, वाटर कूलर की बंदोबस्त, हर एक चीज यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप माता कामाख्या जी के दर्शन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, हमको माता कामाख्या जी के दर्शन करने के पश्चात हमको कौन कौन से दर्शन स्थल घूमने हैं। दोस्तों यहाँ पे दर्शन स्थल घूमने के लिए सबसे पहले आपको मैं बात करूं तो वह आपका उमानंद टेम्पल। तो दोस्तों उमानंद जो टेम्पल है वो आपके माता कामाख्या टेम्पल से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको ऑटो टैक्सी या फिर ओला उबर मिल जाएंगे। यहाँ पे आप इसको बुक करके आप डायरेक्टली उमानंद पहुंच सकते हैं। कॉस्ट की अगर बात की जाए दोस्तों तो गाड़ी वाले आपका 300-400 रुपए लेते हैं, बार्गेनिंग आप कर लीजिएगा। इसके पश्चात आप वो उमानंद के घाट पर उतार देंगे जहां से बोट के द्वारा जाया जाता है। दोस्तों अगर मैं उमानंद की बात करूं तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे एक छोटा सा टापू है जहां पे आपको उमानंद जी का यहां पे टेंपल देखने को मिलेगा। उमानंद बोले तो यानी कि हमारे भोलेनाथ जी का यहां पे टेंपल है। तो इस तरीके से आपको यहां पे बोट के द्वारा वहां जाना पड़ेगा। यहां पे बोट भी दोस्तों दो तरीके से चलती है, एक चलती दोस्तों प्राइवेट बोट और दूसरी चलती दोस्तों यहां पे गवर्नमेंट बोट। गवर्नमेंट बोट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसके कुछ टाइमिंग्स होते हैं और आपका ये 20 रुपए प्रति व्यक्ति लेती है और आपको उसमें आना और जाना उसमें शामिल रहता है। वही अगर मैं बात करूं दोस्तों प्राइवेट बोट का, तो प्राइवेट बोट दोस्तों आपका 200 रुपए लेता है एक व्यक्ति का, जिसमें वो आना और जाना उसमें शामिल रहता है। तो बेहतर है कि आप गवर्नमेंट फेरी लीजिए क्योंकि प्राइवेट के रेट्स बहुत ज्यादा हाई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप उमानंद में पहुंचे। उमानंद में पहुंचने के बाद दोस्तों आपको लगभग 150-200 सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा जो कि काफी खड़ी चढ़ाई यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे हर हर महादेव कहते हुए जय उमानंद जी का नाम लेते हुए आप डायरेक्टली पहुंचेंगे मंदिर प्रांगण में। इसमें भी दोस्तों मैं अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकता, लेकिन जैसे आप एंटर लेंगे तो आपको राइट साइड में गणेश जी का टेंपल देखने को मिलेगा। इनके आप दर्शन कीजिए, इसके पश्चात आप मेन टेंपल में एंटर कीजिए और महादेव के दर्शन कीजिए। महादेव के दर्शन करने के पश्चात मंदिर से बाहर आइए, यहाँ पे हनुमान जी की भी एक टेंपल है, उनके भी दर्शन कीजिए और वापस से अपने बोट में बैठिए और बोट में बैठ के आप वहां के घाट पे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपके यहाँ पे ये दर्शन स्थल थे। इसके अलावा भी दोस्तों और दर्शन स्थल है। यहाँ पे एक भीमाशंकर टेंपल बोला जाता है जो कि सिटी से लगभग 26-30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। दूसरा यहाँ पे तिरुपति बालाजी का भी एक मंदिर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनाए हैं तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप सारी चीजों को कवर नहीं कर पाते क्योंकि पॉइंट्स जो है वो दूर दूर में है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक दो दर्शन स्थल है वो घूम सकते हैं और श्री माता कामाख्या जी के दर्शन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको बेस्ट टाइम कौन सा होता है गुवाहाटी आने के लिए और हमको कितने दिन की ट्रिप बनाना चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आप 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनाते हैं तो ये भली भांति सफिशियंट होता है आपको गुवाहाटी के दर्शन करने के लिए और यहाँ पे एक दो साइट सीइंग भी करने के लिए। वही अगर मैं बात करूं दोस्तों कौन सा बेस्ट टाइम होता है कामाख्या माता जी के दर्शन करने के लिए, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में माता जी के काफी ज्यादा भीड़ होती है टेंपल्स में। वहां पे बोला जाता है दोस्तों सुबह अगर आप 6 बजे लाइन में लग रहे हैं तो आपको शाम को 4-5 बजे आपको दर्शन करके आप मंदिर प्रांगण से बाहर आएंगे, इतना ज्यादा यहाँ पे क्राउड और रश होता है। और वही अगर मैं बात करूं दोस्तों कि यहाँ पे कामाख्या में मेला लगता है जो कि मार्च के मंथ में लगता है, वो लगता है दोस्तों यहाँ पे अंबुबाची का मेला जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे माता जी के दर्शन करने आते हैं। तो उस अगर अंबुबाची के मेले में भी अगर आप आते हैं तो काफी ज्यादा पैमाने पर यहाँ पे सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पे माता जी के प्रतिदिन दर्शन करते हैं। तो इन दोनों पर्व को अगर आप छोड़ देंगे तो आपको नॉर्मल 3-4 घंटे 5 घंटे में दर्शन होके आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाएंगे। तो बेस्ट टाइम इस तरीके से आप ले सकते हैं। मॉनसून में थोड़ा सा यहाँ पे रश कम होता है, हो सकता है कि आपका दर्शन 2.5-3 घंटे में भी
हो जाए। चलिए दोस्तों अगली और अंतिम बात करते हैं कि हमको कामाख्या माता जी के दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप वन नाइट टू डेज की ट्रिप बनाते हैं और एक आप नॉर्मल और बजट होटल में रुकते हैं, खान पान भी नॉर्मल करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक व्यक्ति का दोस्तों हार्डली 1000 से 1500 रुपए खर्चा आएगा और आप अपनी अपनी वापसी ले लेंगे। इस फेयर में दोस्तों मैंने किसी भी तरीके के आपके ट्रेन के टिकट, फ्लाइट को टिकट ऐड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने केवल और केवल कामाख्या में होने वाले खर्चों की बात की है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया और अगर आप वन नाइट का स्टे बनाते हैं बजट प्रॉपर्टी में तो उसका चार्जेस और आपके खाने पीने के चार्जेस को मिलाकर आप मान के चलिए कि 1000 से 1500 रुपए आपको लगेंगे और आप अच्छी तरीके से माता कामाख्या जी के दर्शन कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज आपके असम के गुवाहाटी में स्थित श्री शक्तिपीठ माता कामाख्या जी का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मेरे इंस्टाग्राम यात्रावश आईडी में विजिट कीजिए, डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय माता दी। आपकी यात्रा सफल, सुखद एवं मंगलमय हो।